हेलो दोस्तों, आज हम वेजिटेबल सांभर बनाएंगे। खूब सारा सब्जी है और बहुत ही खट्टा मीठा सांभर है हमारा। तो चले देखें इसे कैसे बनाते हैं। एक कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है तो राई डाल देते हैं। राई तड़क चुकी है तो कटा हुआ प्याज और करी पत्ता डाल देते हैं। हींग डाल देंगे। प्याज हमारे नरम हो चुके हैं तो कटे हुए दो बैंगन और 4 से 5 हमने भिंडी ले लिया है तो इन्हें बड़े टुकड़ों में काट कर डाल दें। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे। इन्हें हम चलाकर ढक देते हैं जब तक कि हमारी सब्जियां पक नहीं जाती। सब्जी हमारी आधी पक चुकी है तो कटे हुए टमाटर डाल देते हैं और इन्हें हम ढक देंगे और टमाटर के ही पानी में इसे पकने देंगे। टमाटर गल चुके हैं तो एवरेस्ट का सांभर पाउडर 2 बड़े चम्मच में डाल दूंगी। आप चाहे तो इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन मैं इतना तीखा हमारे घर में नहीं कोई खाता, इसलिए हम सिर्फ सांभर पाउडर से ही काम चला लेते हैं। सांभर पाउडर की बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है तो पहले से उबली हुई हल्दी और नमक डाली हुई तुअर दाल हम डाल देंगे। सांभर में उबाल आ चुका है तो खट्टे मीठे स्वाद के लिए मैं इसमें शक्कर डाल रही हूँ। इमली का पानी डालूंगी। खट्टा मीठा सांभर हमारा रेडी हो चुका है तो ऊपर से हरी धनिया की गार्निशिंग करेंगे। तो ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।